मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक एवं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, आज दशहरे तक के चुनावी अभियान वाला चरण पूरा हो जाएगा। अब केंद्र के वरिष्ठ भाजपा नेताओं सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के दौरा कार्यक्रम आरम्भ होंगे। 16 से 20 अक्टूबर तक भाजपा के नगर एवं ग्राम केंद्रों के सम्मेलन होंगे। 20 से 25 अक्टूबर तक राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बूथ सम्मेलन होंगे। इसके बाद पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन होगा। चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति पूरी तरह तैयार है। भाजपा जनता के बीच पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताएगी। फोल्डर के माध्यम से जनता को कांग्रेस की 15 महीने वाली सरकार द्वारा किए गए धोखे की भी जानकारी दी जाएगी। हम लोगों का चुनाव का एक चरण दशहरे तक का आज हो जाएगा। अब हमारे जो केंद्र में बड़े नेता हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी के लगातार दौरे के कार्यक्रम सभाओं के कार्यक्रम आगे के लिए बनेंगे और इसके साथ साथ हम लोग 16 से 20 तारीख तक सभी हमारे नगर केंद्र ग्राम केंद्र इन पर हम लोग सम्मेलन करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। फिर 20 से 25 के बीच में हमारे सभी जो बूथ हैं बूथ सम्मेलन हमारे पूरे हर विधानसभा में होंगे। उसके बाद फिर पेज प्रमुखों का सम्मेलन होगा। तो इस तरह से लगातार कार्यक्रम हम लोगों ने पूरा कैलेंडर चुनाव का बनाया हुआ है। इस बीच में 20 तारीख को श्रद्धेय वाल्मीकि जी की जयंती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर मनाएगी। इसके साथ साथ 21 तारीख को जनसंघ का हमारा स्थापना दिवस है, उस पर भी सभी बूथों पर जनसंघ की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम होंगे और आगे भी और कार्यक्रम हम लोग बैठ के तय करेंगे। तो इस तरह से चुनाव तक हम लोग जन जन तक पहुँचें, जन जन तक हमारी बात पहुँचे, इसके लिए भी हम लोग हमारी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उनको भी फोल्डर के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जो कांग्रेस ने धोखा किया है पिछले सवाल साल की डेढ़ साल की सरकार में, वो चीज़ें भी हम लोग जनता को बता रहे हैं। तो इस तरह से पूरी रणनीति बनाकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है।